हाई एवरीवन, यू आर अगेन वॉचिंग कविता ही शेयर। आज की इस वीडियो में हम फिर से न्यू ऑनलाइन कंपटीशन इवेंट के बारे में जानकारी कंफर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडसारा इनोवेशंस इज प्रेजेंटिंग अ न्यू ऑनलाइन कंपटीशन इवेंट 2021 फॉर यू ऑल। दैट इज अ न्यू चांस टू शो योर स्किल्स, सो लेट्स डिस्कस द डिटेल्स रिगार्डिंग एक्टिविटीज ऑफ दिस इवेंट। इस इवेंट की रिगार्डिंग एक्टिविटीज, देयर आर 6 एक्टिविटीज टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए 6 एक्टिविटीज हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट, एसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग एंड पोएट्री राइटिंग। रिगार्डिंग टॉपिक ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट का रिगार्डिंग टॉपिक विषय कि आपको किस टॉपिक पर एक्टिविटीज में परफॉर्मेंस करनी है। द थीम टॉपिक ऑफ दिस इवेंट इज ओपन, यू कैन सेलेक्ट एनी टॉपिक इन दिस इवेंट फॉर ऑल एक्टिविटीज एक्सेप्ट एसे राइटिंग, नो पर्टिकुलर टॉपिक। टॉपिक ऑफ एसे राइटिंग इज इंडियन कल्चर। इस इवेंट की थीम ओपन है, आप कोई भी टॉपिक हर एक्टिविटी के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पर एसे राइटिंग के लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो है इंडियन कल्चर। रिगार्डिंग गाइडलाइंस ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट की गाइडलाइंस दिशा निर्देश, ड्राइंग एंड पेंटिंग गाइडलाइंस ऑफ बोथ आर सेम, ड्राइंग एंड पेंटिंग की गाइडलाइंस सेम हैं। एनी शीट एंड मीडियम इज एप्लीकेबल इन बोथ एक्टिविटीज, दोनों एक्टिविटी में आप कोई भी शीट या मीडियम यूज कर सकते हैं। राइटिंग ओन नेम ऑन शीट इज मैंडेटरी, शीट पर अपना नाम जरूर लिखें। क्राफ्ट, यूज ऑफ ऑल मटेरियल्स फॉर क्राफ्टिंग इज अलाउड, क्राफ्टिंग के लिए कोई भी मटेरियल अलाउड है। पोइट्री राइटिंग, वर्ड लिमिट इज 50 to 100 वर्ड्स, शब्द सीमा है 50 to 100 शब्द। लैंग्वेज शुड बी आइदर इंग्लिश और हिंदी, भाषा इंग्लिश या हिंदी होनी चाहिए। स्टोरी राइटिंग, वर्ड लिमिट इज 100 to 200 वर्ड्स, शब्द सीमा है 100 to 200 शब्द। लैंग्वेज शुड बी आइदर हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पर भी भाषा इंग्लिश या हिंदी होनी चाहिए। एसे राइटिंग, वर्ड लिमिट इज 200 to 300 वर्ड्स, शब्द सीमा है 200 to 300 वर्ड्स। लैंग्वेज शुड बी आइदर इंग्लिश और हिंदी, एसे राइटिंग की भाषा भी इंग्लिश या हिंदी होनी चाहिए। रिगार्डिंग टाइमलाइन ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट की रिगार्डिंग टाइमलाइन, समय सीमा की कब तक आप इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट इज मार्च 2021। इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने की अंतिम तारीख 13 दिन बाद यानी 20 मार्च को है। रिगार्डिंग रिवॉर्ड्स ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट के रिगार्डिंग रिवॉर्ड्स, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस विल बी गिवन टू टॉप एंट्रीज, टॉप एंट्रीज को सर्टिफिकेट एक्सीलेंस का मिलेगा। एंट्रीज ऑफ द विनर्स विल बी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट ब्लॉग, विनर्स की एंट्रीज वेबसाइट ब्लॉग पर पब्लिश होगी। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, सभी पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। रिक्वायर्ड रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट की रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी योग्यता, 3 to 17 ईयर्स ओल्ड पीपल कैन पार्टिसिपेट इन ड्राइंग, पेंटिंग एंड क्राफ्ट। ड्राइंग, पेंटिंग एंड क्राफ्ट में 3 to 17 साल के लोग योग्य हैं। 8 to 17 ईयर्स ओल्ड पीपल कैन पार्टिसिपेट इन स्टोरी राइटिंग एंड पोइट्री राइटिंग, इन दोनों एक्टिविटीज़ में 8 to 17 साल के लोग योग्य हैं। 13 to 17 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन एसे राइटिंग, एसे राइटिंग में 13 to 17 साल के व्यक्ति योग्य हैं।
हाउ टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट, इस इवेंट में कैसे पार्टिसिपेट करें। विजिट दिस वेबसाइट www.edsara.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइन अप एंड इनरोल फॉर दिस इवेंट वाया दिस लिंक, ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंट्री फीस इज 50 rupees पर एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के लिए इस इवेंट में फीस है 50 rupees। पे थ्रू गूगल पे ऑन 9461058877। लास्ट वन, कॉन्टैक्ट इन्फो, संपर्क करने के साधन फॉर मोर क्वेरीज, मोबाइल 7424982616। ईमेल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये नई जानकारी अत्यंत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर एवर।